ଭାରତ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁର ମଧ୍ୟରେ ଚାରିଟି ବଡ଼ ଡିଲ୍ କରାଯାଇଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ। ଥିବାବେଳେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ଓୟୁ। ସେ ଭିତରେ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛି ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିପିଆଇ, ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି। ଦୁଇ ଦେଶ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର, ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। ସିଙ୍ଗାପୁରର ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବେ। ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗାପୁର କିଭଳି ଯେ ଏକ ସହଯୋଗୀ ଦେଶ ତା' ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ଭାରତରେ ଏମିତି ଏକାଧିକ ସିଙ୍ଗାପୁର ଗଠନ ପାଇଁ ସରକାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲରେନ୍ସ ୱାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହିତ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର, ଏନ୍ଏସ୍ଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଥିଲେ। सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। स्किलिंग, डिजिटलाइजेशन, मोबिलिटी, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेमी कंडक्टर और एआई, हेल्थ केयर, सस्टेनेबिलिटी और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की दिशा में ये इनिशिएटिव की पहचान बन गई है। एक्सेंसी गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। आपके प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद ये हमारी पहली मुलाकात है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है 4G के नेतृत्व में सिंगापुर और अधिक तेजी से प्रगति करेगा। एक्सलेंसी, सिंगापुर केवल एक पार्टनर देश नहीं है, सिंगापुर हर विकासशील देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।